मैं आपको आज आपके बारे में ही कुछ बताने वाली हूँ। शायद आप लोग नहीं जानते कि परमात्मा ने आपको क्यों बनाया, और कभी आप सोचते भी नहीं है कि परमात्मा ने इतनी मेहनत करके आपको इतना सुंदर क्यों बनाया, आपको मनुष्य क्यों बनाया परमात्मा ने, इस पर भी आप गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि सोचें कि हम क्या हैं और हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या कार्य है, इसलिए हमें परमात्मा ने इतनी मेहनत से इतने वर्षों तक एक छोटे से अमीबा से लेकर आज मनुष्य योनि में लाया है। इस पे हम लोग बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा चित्त बिल्कुल बाहर है, हमारा चित्त अंदर की ओर नहीं जा पाता। पर मैं आपसे कहूं कि आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपने को देखिए, तो आप लोग नहीं देख सकते। आप कहेंगे कि माँ ये किस तरह से होता है कि हम अंदर की ओर जाएं? हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप बाहर हैं आपको देख रहे हैं, लेकिन हमसे आप कहें कि अंदर की ओर जाएं तो बड़ा मुश्किल कार्य है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अंदर जाएं और अपने को जानें कि हम क्या चीज़ है? ये तो हम लोग जानते हैं क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमारे अंदर में मांसपेशियां हैं और हमारे अंदर में अस्थियां हैं और हमारे ऊपर में चमड़ा लगा हुआ है, इसके अंदर अनेक मज्जा तंतु अपना कार्य करती रहती है। बहुत सी बातों के बारे में जानकारी डॉक्टर लोग सोचते हैं कि हमें हो गई है, किंतु वो ये नहीं जानते कि ये सारी क्रिया हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति करती है, कौन हमारे पेट से जो खाना है उसे हजम करती है, कौन हमें श्वासोश्वास कराने पे उतारू करती है, कौन हमारे बुद्धि में रह करके विचार की चालना करती है, ये कौन सी शक्ति हमारे अंदर है, वो किस तरह से निहित है और वो कैसे कार्यान्वित होती है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पेड़ को देखते हैं तो इतना ही बता सकते हैं कि ये आम का पेड़ है, फिर ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन से प्रकार के आम लगते हैं, फिर ये भी बता सकते हैं कि आम का गंध कैसा है और उसका स्वाद कैसा है और यहाँ कितने बार साल में आम लगता है, किस प्रकार का ये आम होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसकी जड़ें कैसी होती हैं, इसकी शाखाएं कैसी होती हैं, पर हम ये एक बार भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो शक्ति प्रवित है, जो इसके अंदर से बह रही है, जिसने ये आम बनाया है, वो शक्ति किस प्रकार की, वो किस तरह से इसमें बाहर लाती है, वो किस प्रकार इसमें सिर्फ फल लगाती है और वो किस प्रकार इसमें ये रस देती है, उस शक्ति के बारे में हम जानते नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये शक्ति पृथ्वी से आती है और पृथ्वी से ऊपर जाती है और कार्य करती है, लेकिन वो है क्या? हम लोग रोजमर्रा इस तरह के अनंत जीवंत क्रियाएं संसार में देखते रहते हैं। ये भी देखते हैं कि माँ के बच्चे में पेट में बच्चा रहता है और बच्चा बढ़ता है और फिर पनपता है और उसके बाद वो संसार में जन्म लेता है। कोई भी वस्तु हमारे अंदर शरीर में अगर परदेशी वस्तु अंदर जाए, फॉरेन वस्तु अंदर जाए, तो उसको शरीर फेंक देता है। लेकिन एक बच्चा ही ऐसी चीज है जो शरीर में जब स्थापन होता है तो उसे जब वो शरीर में स्थापन होता है तो उसे संगोपन किया जाता है, उसको संभाला जाता है और उसकी हर एक चीज, हर एक जरूरत पूरी की जाती है। आखिर ये शक्ति कौन सी है जो हमारे अंदर इसे कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसको हम जानते नहीं, बिल्कुल अपरिचित हैं हम अपने ही से जिससे हम कार्यान्वित हैं। अगर किसी प्रकार हम इस शक्ति के ऊपर अपना काबू पा लें, इस शक्ति से हम संबंधित हो जाएं, या इस शक्ति को हम अपने हाथ में ले लें, तो क्यों ना हम अनेक कार्य करके दिखा सकते हैं जो कभी भी हम नहीं कर पाए। इसी शक्ति को जानने के लिए सहज योग का हमने प्रचार शुरू किया है। सहज योग अनंत काल से संसार में वर्तमान है। इस शक्ति का जितना भी कार्य है वो सहज है, सहज है। सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ, आपके साथ जो पैदा हुई शक्ति है, जो आपके अंदर हर समय स्थित है, जो आपके अंदर वर्तमान है, जो आपके अंदर कार्यान्वित है, उस शक्ति के द्वारा योग को पाना माने परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करना, यही सहज योग है।
मनुष्य के अंदर ये शक्ति विशेष रूप से अदृश्य रहती है। उसे डॉक्टर लोग स्वयं 40 के नाम से जानते हैं, जिसे वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं 40, पर ये स्वयं कौन है, इसे हमने खोज के नहीं निकाला। ये स्वयं कौन सी चीज है, सिर्फ किसी को कहने देने से कि ये प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या है, कैसे कार्य करता है, उसका तो कुछ पता नहीं रहता। इस तरह से एक कुछ अजीब सा छिपा हुआ नाम दे दिया कि ये स्वयं चालित है, इसे हम नहीं जान सकते। लेकिन यही स्वयं हम लोग हैं। जिस वक्त हम ये स्वयं हो जाते हैं, तब हम अपने सारे कार्यों को खुद ही कर पाते हैं। ये स्वयं ही हमारे अंदर छिपा हुआ है, ईश्वरी तत्व है, जिसे हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। ये आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, लेकिन आसन यहाँ पर हमारे सर पे यहाँ पर हर समय रहता है। इसके बारे में अनेक लोग भाषण देते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा को खोजो, उसको खोजना चाहिए, उसके लिए आप सर के बल खड़े हो जाओ, या दौड़ लगाओ, या इतनी पूजा चढ़ाओ, या इतनी श्रद्धा करो, जितना तुम्हारी श्रद्धा हो उतना पैसा चढ़ाओ और दुनिया भर का इन लोगों का सरंजाम बढ़ाओ। ऐसी चीजों से आत्मा कभी नहीं मिल सकता, इससे वो खो जाएगा हमेशा के लिए। आत्मा की खोज नहीं हो सकती, आत्मा प्रकाशित होता है। जो लोग संसार में बाहर या कहीं जंगलों में रह करके संन्यास आदि लेकर के द्राविड़ी प्राणायाम करके आत्मा की खोज करते हैं, वो बहुत गलत रास्ते पर है। आत्मा अपने ही अंदर प्रकाशित होता है, अपने ही आप सहज सहज समाधि लीला में। जो बड़े कहे गए हैं, जो आज तक यहाँ पर बहुत बड़े विचारक और जो बड़े बड़े जिनको हम गुरु कहते हैं, वो कह गए हैं, उसकी एक एक बात सच, उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया। ये वक्त आ गया है कि उस चीज को हम सिद्ध करें और देखें कि वाकई हमारे अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है भी क्या नहीं। और जब ये जाना जाएगा कि हमारे अंदर आत्मा है, तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं। बगैर आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकते। फिर आप मंदिरों में घूमिए या मस्जिदों में आप अपनी टांगे तोड़िए, जब तक आपकी आंख नहीं खुलती, जब तक आपकी आत्मा इसे देख नहीं पाती, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए सबसे पहला काम है आत्मा का साक्षात्कार करना। उसकी पूरी व्यवस्था हमारे अंदर परमात्मा ने कर दी है, हमें उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम जो यह श्वास ले रहे हैं, उसके लिए क्या हमें मेहनत करनी पड़ती है? या जो हमारा हृदय धड़क रहा है हर मिनट, हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, क्या उसके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती? या हमारे पेट में जो खाने की पचन क्रिया हो रही, उसके लिए कौन सा हमें सर फोड़ना पड़ता? अगर परमात्मा को पाना और आत्मा का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, तो वो होना ही चाहिए और होगा ही, और सहज होना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जनता, आजकल के नौजवान अब तो परमात्मा में विश्वास नहीं करते। उसकी वजह है क्योंकि अंधे लोगों ने जिस तरह से अंधे तरीके से परमात्मा को जानना चाहा, वो समझते हैं, वो बुद्धिवादी हैं, वो देखते हैं कि इस तरह से परमात्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है, ये तो सब धोखाधड़ी है, ये तो सब फालतू लोगों की जेबें भरने का इंतजाम है। ये बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुछ काम धाम नहीं करते हैं, उनके लिए एक अच्छा बहाना बना हुआ पैसा कमाने का एक एंटरप्राइज है, वो भी सही है। लेकिन बुद्धि से भी परमात्मा नहीं जाना जाएगा। हाँ, बुद्धि से आप उस जगह जाके पहुंच जाएंगे जहां आप ये सोचेंगे कि बुद्धि से परमात्मा नहीं जाना जाता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि को त्यागें। बुद्धि का त्याग मैं नहीं कह रही हूं, बुद्धि पूरी की पूरी वहां बनी रहेगी, सिर्फ उसे प्रबोध होना चाहिए। ज्ञान एक चीज है और बोध दूसरी चीज है। बोध होना चाहिए। जब परमात्मा का बोध हो जाता है, वो कोई लेक्चर देने से या आपका ब्रेन साफ करने से नहीं होने वाला। एक चीज है, घटना है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए, आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मा में होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता, तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहाँ आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो। वो तो हमसे दोस्त बोल रहे हैं।
अब दूसरी बात जो बहुत समझने की है कि इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार आप इसको खरीद नहीं सकते। मैंने इसकी सीधी बात है, ये बात कहने में भी मुझे अजीब सा लगता है, पर बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुला कर भाई चलिए पूजा कर दे काम खत्म। हो नहीं सकते, हम लोग इतने ऐसे सतह पे रहते हैं, ऐसे उछले सतह पे रहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि इस तरह से काम करने से कहीं सत्य को पाया जाता है। सत्य को खरीदा नहीं जाता, सत्य को जाना जाता है। जैसे मैं ये बात करती हूँ तो सब तरह से लोग मेरे ऊपर डंडे लेकर के बम्मन लोग और मुल्ला लोग चढ़े आते हैं कि हमारे पेट पर आप पैर दे रहे माता जी। लेकिन मैं उनके तो अगले जन्म की पूर्ण व्यवस्था कर रही हूँ कि अगले जन्म ऐसे और पाप कर्म करके और कहीं गंदी जगह न पैदा हो। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही, ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सबने कही है, साई नाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में मन होता है और जो आपके पर्स से ही मतलब रखते हैं वो आपसे बात नहीं कहेंगे, वो आपसे सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसको आपके उत्थान से मतलब होता है, आपके आत्मा के साक्षात्कार से मतलब होता है, वो कहेंगे कि बेटे सिर्फ वही मांगो जो परम है, फालतू की चीज मांगने की कोई जरूरत नहीं। विषय ने कहा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। पहले उन्होंने योग कहा फिर क्षेम कहा, वो कह सकते थे कि मैं क्षेम और योग का वहन करता हूँ, नहीं उन्होंने कहा पहले मैंने योग का वादा किया है, मैं तुमको पहले योग दूंगा उसके बाद क्षेम होगा। जिसका परमात्मा से संबंध ही नहीं जुटा उसका हम क्यों क्षेम देखें? जो गर हिंदुस्तानी नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक नहीं हुए, उनको क्या भारत सरकार देखेगी? हालांकि भारत सरकार तो हमको भी नहीं देखती, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में जब तक आप वहां के नागरिक नहीं होंगे तब क्यों परमात्मा आपको देखेगा? यूं ही जैसे कि मेरे सामने आकर एक बड़ी लिस्ट पर डालते हैं, माता जी मेरे बेटे को नौकरी होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे बच्चे का कान खराब है वो ठीक होना चाहिए, मेरे बुआ के कैंसर हो गया वो ठीक होना चाहिए। मैंने कहा वाह बेवा, आपने तो सारी लिस्ट मेरे पास पढ़ दी, आपका बैंक में अकाउंट कितना है? माने परमात्मा के वहां तो कोई नहीं, वहां तो ओवरड्राफ्ट चल रहा, तो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ? भगवान के पास अगर आपका कोई भी दावा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा भी आपसे क्या मतलब हो सकता है बेटे? कल अगर हिटलर आके मुझसे कहे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अच्छा इंतजाम कर रखा है नर्क में जलने का, भुनने का और मरने का, और क्या इंतजाम होना चाहिए? इसलिए ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए हमारी थोड़ी बहुत संपदा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि जो है ये अत्यंत बड़ी भारी बहुत बड़ी संपदा है। ये योग भूमि में आप जो पैदा हुए हैं ये पूर्व जन्म के अनेकों 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 पुण्य कर्मों की वजह से हुए हैं। शायद आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे अगर आप कहीं विलायत में जाए और देखें कि वहां पर लोग किस कदर नर्क में जल रहे हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए और इसी के कारण आपको आत्मदर्शन भी बहुत आसानी हो सकता है, पर हमारे यहाँ जनता जनार्दन ये सोचती है कि परदेशियों जैसा होने से ही आपका बड़ा ही कल्याण होने वाला है। वहां के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है,
इंग्लैंड में हर हफ्ते में दो बच्चे माँ बाप पा डालते हैं, अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जो अनैतिक बच्चे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती। अपने यहाँ दूसरा है हाल, आप जानते हैं कि बच्चे के पीछे में देश भी बेच डालेंगे। ऐसी वहां दुनिया बसा के रखी हुई है कि किसी को किसी के साथ रहना 5 दिन भी नहीं हो सकता। 5 दिन भी कोई झगड़ा किए बगैर दो आदमी रह ले तो सोच जाते कि कैलेंडर लग जा। ये देश प्रेम से भरा हुआ है, इसके एक एक कण से प्रेम बह रहा है। अब आप लोग अगर अंग्रेजों के चरण लेकर के और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने को उसी तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं तो ठीक है, पहले ये देख आइए कि किस खाई में उनके बच्चे पड़े हुए हैं और फिर आप उनको अपना नेता माने। पहले उन लोगों को जाके देखना चाहिए कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, किस तरह अपना एक एक क्षण अपने को मिटाने में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में आत्महत्याएं होती हैं, जहां से सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए जो हम लोग रात दिन पैसों के पीछे में और एक शर्ट के पीछे में और एक साड़ी के पीछे में और दुनिया भर की ये सांसारिक चीजों के पीछे में पागलों जैसे भाग रहे हैं, जानना चाहिए कि मनुष्य की जरूरतें बहुत कम होती है। उसके चक्करों को बहने के लिए ठीक है आप चाहें कि उनके जैसे ठोकरें खाएं और फिर कुएं में गिरे और उसके बाद मेरे पास आए और फिर मैं आप पर मेहनत करती रहूं, तो करिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसका दायरा आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप सहयोग में पार हो जाए तो आप समझ लेंगे कि आप क्या चीज है, आपको होना क्या है। जिस प्रकार ये एक मशीन है, इसको आप जब तक मेन से नहीं लगाते इसका अर्थ नहीं निकलता, उसी प्रकार आप भी एक मशीन है, आपको जब तक मेन से लगाया नहीं जाएगा आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। फिर चाहे आप अंग्रेज बनो, चाहे आप बंदर बनो, चाहे कुछ बनो, आपको अतिमानव होना होगा। आपको वो होना है जिसके लिए आपको एक अमीमा से परमात्मा ने आज तक इस रास्ते पर ला करके डाल दिया। बहरहाल सहयोग बहुत बड़ी चीज है। ये शक्तियां कैसी हैं, अपने अंदर किस तरह से वर्तमान होती है, कैसे कार्यान्वित होती है, आदि इसके अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे बताने के लिए आज इतना समय नहीं, लेकिन कल थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतना ही कहें कि माँ हमें आप पार करा दी, हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार मांगते और कुछ नहीं मांगते। इतनी अगर आप बात सोच के आए हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बोरीवली में काफी लोग पार हो सकते हैं। पार होना आसान है क्योंकि कुछ हम अपने भी संकल्प से काम कर सकते हैं। हमारी पुण्याई सब आपके चरणों में है, उसको सब दान करके और हम चाहते हैं कि आप लोग पार हो जाए। लेकिन पार होने के बाद भी नाव में जब बिठा दिया उसके बाद भी नाव डग 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 चलती है, शंकाएं आने लग जाती है, उसको स्थिर करने का काम आपका है। क्योंकि ये अति सूक्ष्म घटना है, बहुत मुश्किल से होती है। सब लोग बताते हैं कि एक आदमी की भी कुंडली जागरूक करना अत्यंत कठिन काम है, या माता जी हजारों की कैसे कर देते हैं, करती ही है, इसमें कोई शंका नहीं, किया ही है, हजारों की किए, गांव में देहातों में हजार लोग खटाखट पार हो जाते होते ही है। आपको देखना है तो आप आके देख लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ हमारी भी बात होगी ही, कुछ हम भी जादूगर हैं, कोई हमारी भी विशेषता होनी ही चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, है तो सही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति है ही जिसके कारण ये कार्य कभी भी आज तक संसार में नहीं हुआ, एकदम से संपन्न होता। पर उसके बारे में विचार न करते हुए आप इस वक्त अपने को पार करा ली। हम आपकी माँ हैं, हम आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, पर आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जमना पड़ेगा, जमने के बाद ही समझ आता है, जमने के ही बाद आप समझते हैं सत्य क्या है, उससे पहले कोई सी भी बात समझ में नहीं आती। ये भी नहीं समझ में आता कि परमात्मा है या नहीं, विश्वास करें या नहीं करें, कोई भी चीज है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप एक कंप्यूटर के जैसे परमात्मा ने बना दिए हैं,
लेकिन उसको जब तक मेल से नहीं लगाएंगे किसी भी चीज का सवाल जवाब नहीं हो सकता। कोई भी बात जो अविनाशी है, जो अनंत की है, जो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते। इसलिए इस चीज को प्राप्त कर लेना एक महत् कार्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाकर शॉपिंग कर लें, ये बहुत गहन और गंभीर चीज है और अत्यंत अति सूक्ष्म। इसको स्वीकार करना चाहिए न समस्तक होकर के। आशा है आप में से बहुत से लोग आज पार हो जाए। मुझे पूर्ण आशा है ये कार्य हो सकता है। आपके यहाँ भी बोरीवली में हमने चाहा था कि एक सेंटर खोले, यहाँ है भी। हमारे राजा भाई यहाँ से बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनका आप लोग पता ले लीजिए। कल भी यहाँ प्रोग्राम होने को है, कल भी हम लोग आएंगे, सब लोग यहाँ आइएगा और पूरी तरह से इस चीज को प्राप्त कर लें। घर में जब गंगा दौड़ के आती है तो उसका लोगों को इतना महत्व नहीं रहता। दूसरी चीज है कि कोई सर्कस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। फालतू के चमत्कार हो, यहाँ से कोई हीरा निकाल के दे तो हजारों आदमी दौड़ने को आएंगे। लेकिन परमात्मा को और कोई धंधा बचा है या नहीं कि जवेरी की दुकान खोलने की वजह से। और ऐसे जो हीरे निकालने वाले हैं उनसे कहना चाहिए कि आप जाकर हिंदुस्तान की समस्याएं सुलझा दें। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ये हीरे देते रहते हैं। ठीक ही है, अमीरों के लिए यही इलाज अच्छा। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो सहयोग में कभी नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता आएंगे। जब उनकी अक्ल दुरुस्त होगी तब शायद आए, तो आए, वैसे आने वाले नहीं। क्योंकि ये मध्यम रास्ता है। अतिशयता, कोई भी चीज की अतिशयता ठीक नहीं होती, उसे दिमाग खराब हो जाता है या उसे शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई ना कोई इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। इस कारण आज आप परम को पाने की ही व्यवस्था करें। परम को पाते ही सब चीज ठीक हो जाती है, पर कोई अतिशयता नहीं आती, पूरा संतुलित अत्यंत आनंदमय सुखमय शांतिमय जीवन हो जाता है। कल मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, पर आज सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठेंगे, आप सब लोग बैठ जाए इस तरह से सीधे हाथ करके नम्रता पूर्वक, जैसे कि कुछ मुझसे मांग रहे हैं, सादगी से बैठ जाए। तो आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये जो पांच उंगलियां और ये पांच उंगलियां हैं, ये सब आपके अंदर बसे हुए सेंटर हैं, चक्र हैं, अति सूक्ष्म है, वो यहां से खींच लेंगे शक्ति। आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने के बाद पहली चीज आपकी होगी कि आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। आप आंख बंद करके अपने अंदर देखेंगे तो कोई विचार अंदर से नहीं आ रहा। उसके बाद जब ब्रह्मरंध्र को कुंडलिनी छेद देगी तो आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे बहना शुरू होगी। जब आप मेरे ओर करेंगे तो मेरी ओर से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतुलन न रहने के कारण एक हाथ में आती एक में नहीं आती, उसका संतुलन हम बना देंगे। कहीं कहीं चक्रों की पकड़ होती है, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन पहले है कि आपकी मोटर शुरू कर दें, आपको हम साक्षात्कार देंगे, उसके बाद आगे की बात होगी। जब दूध और पानी अलग नहीं होता तब तक कोई भी बात करने में कोई अर्थ नहीं रहता। आज आप इसे पा लीजिए, कल मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि ये क्या शक्ति है, ये किस तरह से कार्यान्वित होती है और आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ हमारे व्यास साहब हैं, वारिक साहब हैं, सब इस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं, इन सबका उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से आप सब हाथ रखें। आंख बंद कर लें, अगर आंख में कोई धड़कन हो तो आंखें खोल लें। आशे माजा कड़े हाथ करूं बसा, नम्रता पूर्वक आणि डोळे मिटा। डोळे मिटताना जर आपल्या पापण्या लावल्या तर डोळे उघडायचे, थोड्या वेळा जेव्हा कुंडलिनी या आज्ञा चक्राला पार करते त्यानंतर आतमध्ये एकदम विचार येत नाही, निर्विचारिता स्थापित होते।
पंच भी अचेतन होते हैं, चेतनावस्थे निर्विचारी पाहिजे। आणि जेव्हा कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र छेदते त्यावेळेला आपल्या हातातनं थंड थंड असे वारे उलापतात, ह्याच चैतन्य लहरी आहे, ही शक्ती तुमची आहे। तेव्हा असं जाणलं पाहिजे की आत्मा हा आता बोलू लागला, त्याचं स्पंदन हातात वाहू लागलं, माझ्याकडे हात करून बसले तेव्हा माझ्यापासून थंड थंड आपल्याला येईल। हे एका क्षणात होत, पण आपल्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात, शारीरिक दोष असतात, मानसिक बौद्धिक दोष असतात, त्यामुळे सुद्धा कुंडलिनी जागृत होत नाही। कधी कधी आपण भलत्या ठिकाणी जाऊन आपले हे डोकं लावलेलं असतं तेव्हाही कुंडलिनी उठत नाही, पण कशी असली तरी आम्ही त्याची व्यवस्था करू शकतो। तेव्हा तुम्ही स्वतःला काही वाईट वाटून जायचं नाही, जर नाही झालं तरी आम्ही मेहनत करू, तुम्ही तयार असा म्हणजे झालं। डोळे मिटा आता, हे गाणं सुद्धा देवाला लावून जर तुम्ही विचारत घेतलं तर वो घडी आ गई आहे, ठीक वेळ आलेली आहे, अत्यंत महत्वाची वेळ आलेली आहे। करा।